अगली खबर आ रही है नसरुल्लागंज से, जहां नवागत कलेक्टर द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन कर कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल का परिवेश को सकारात्मक बनाने को लेकर शिक्षक और समाज मिलकर प्रयास करें तो न केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाया जा सकता है, नवीन तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जानी चाहिए। स्मार्ट क्लास के लिए शिक्षक जन सहयोग से टेलीविजन सेट क्रय करके लगाएंगे और एक कक्ष को स्मार्ट क्लास के रूप में स्थापित करेंगे। वहीं कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों ने 16 दिसंबर 2022 तक सभी स्कूलों में टीवी लगाने की सहमति दी है। इसी संदर्भ में जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला कलवाना के सीताराम जाट प्रभारी प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला कलवाना द्वारा कलेक्टर महोदय की मंशा अनुसार स्वयं के विद्यालय में 43 इंच स्मार्ट टीवी डोनेट की गई। इसका लाभ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। भाई साहब, कलेक्टर महोदय जी द्वारा सभी विद्यालयों को एक स्मार्ट क्लास बनाने के आग्रह किया है। हाँ। और शिक्षकों द्वारा जन सहयोग से टीवी वितरित किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये कलेक्टर साहब का जो उद्देश्य है हर विद्यालय स्मार्ट विद्यालय बने, उसके अंतर्गत उनका ही उद्देश्य है कि हर विद्यालय में स्मार्ट टीवी लगे, और उस कड़ी में आज कलवाना प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक श्री सीताराम जाट जी टीवी खरीद रहे हैं और हमारे सभी शिक्षक साथी बहुत उत्साहित हैं, हम भी उत्साहित हैं और हर विद्यालय को स्मार्ट विद्यालय बनाएंगे। साथ ही साथ एक खुशखबरी ये भी है कि सम्माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री DS तोमर साहब ने भी आज एक टीवी डोनेट की है, उनको भी मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ। नसरुल्लागंज ब्लॉक में कितनी विद्यालयों में स्मार्ट? नसरुल्लागंज विद्यालय में ब्लॉक में 311 विद्यालय हैं जिनमें स्मार्ट टीवी लगेगी, लेकिन यदि इनको अलग अलग किया जाए सभी विद्यालयों को तो 460 के लगभग विद्यालय हैं, सभी में टीवी लगेगी, स्मार्ट टीवी लगेगी।